हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सुभाष और आप सभी का स्वागत करता हूं एके ऑनलाइन सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा सीएससी डीजी पे लॉगिन से रिलेटेड है। तो अगर दोस्तों आप एक सीएससी भी वाले हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि सीएससी डीजी पे को जैसे आप लॉगिन करते हैं तो कभी कभी दोस्तों रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में हम परेशान हो जाते हैं, बार बार रिसेंड करते हैं फिर भी हमें ओटीपी नहीं मिलता है। तो अगर दोस्तों आप सीएससी डीजी पे को कभी भी लॉगिन करना चाहते हैं बिना किसी इशू के, तो बहुत ही आसानी से आप सीएससी ऐप की मदद से ये लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। उससे पहले आपको बता दूं कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और हमारे जो साथी हैं वीएलई जो फिरोज भाई हैं वो भी इसे ट्राई किए हैं। जो सीएससी ऐप लॉन्च हुआ है उस पर दोस्तों एक सिक्योर कोड का ऑप्शन है, तो सिक्योर कोड आप यूज करके बहुत ही आसानी से सीएससी डीजीपे को लॉगिन कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस मैं अभी आपको बताऊंगा कि सीएससी ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है, उसमें आपको अकाउंट कैसे रजिस्टर करना है, साथ ही आपको सिक्योर कोड कैसे जनरेट करना है ताकि आप जब भी लॉगिन करेंगे सीएससी डीजीपे को तो बहुत ही आसानी से आप इसे लॉगिन कर पाएंगे। चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे आप प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई सीएससी से रिलेटेड या किसी भी प्रकार का टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा इस चैनल पर वीडियो, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर आप डीजीपे को ओपन करते हैं तो कभी कभी दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलता होगा। चाहे आप कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर जब भी आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मोबाइल पर किया गया था लॉगिन, जिस समय मैसेज एपीआई अनरीचेबल प्लीज ट्राई सिक्योर कोड ऑन सीएससी ऐप, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आता है। तो ये प्रॉब्लम अगर आपके पास भी आता है दोस्तों, तो आप बहुत ही आसानी से सीएससी ऐप की मदद से आप इसे सिक्योर कोड की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन कर लीजिएगा। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर डिजिटल सेवा का जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे डाउनलोड सीएससी ऐप का ऑप्शन आ गया है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर देगा और कुछ इस प्रकार से सीएससी ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा और इसमें आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करना सिंपल है दोस्तों, इस एप्लीकेशन को आप अपने स्मार्टफोन पर इंस्टॉल कर लीजिएगा और इस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आप अपना सीएससी आईडी एंटर करेंगे, उसके बाद आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर करना होगा और उसके बाद दोस्तों आपको आगे सबमिट करना होगा। आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, फिर ओटीपी सबमिट करने के बाद बहुत ही आसानी से दोस्तों आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम पूरा प्रैक्टिकली जानेंगे कि कैसे आप डीजीपे को लॉगिन कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन पर या फिर दोस्तों आप अपने सिस्टम या कंप्यूटर पर। इसके लिए तो सबसे पहले आप अपने डीजीपे सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। अभी मैं आपको लैपटॉप पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हम अपना सीएससी आईडी इंटर करेंगे। सीएससी आईडी इंटर करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करके स्कैन करेंगे, उसके बाद हमारा जो बायोमेट्रिक डिवाइस होगा उसमें हमें अपना फिंगर अपडेट करना होगा। तो जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे बायोमेट्रिक दिया तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ रहा है, जनरेट ओटीपी एंड सिक्योर कोड। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमारे रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी नहीं जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सेलेक्ट ओटीपी ऑथेंटिकेशन मोड। यहाँ पर देख सकते हैं गेट वन टाइम पासवर्ड ऑन मोबाइल, साथ में देख सकते हैं गेट ओटीपी ऑन सीएससी ऐप, और साथ में आप देख सकते हैं वैलिडेट यूजिंग सिक्योर कोड। तो दोस्तों इनमें से आप लास्ट वाला चूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही अच्छा लगा ये सर्विस मुझे, क्योंकि यहाँ पर क्लिक करके हम बहुत ही आसानी से जो है डीजीपे को लॉगिन कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देख सकते हैं वैलिडेट बाय जनरेटिंग सिक्योर कोड का ऑप्शन आ गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने स्मार्टफोन पर जो हमारा ऐप है सीएससी का, उस ऐप को हम लोग ओपन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर उस ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा होगा, हम अपने स्मार्टफोन पर ये जो एप्लीकेशन है हमारा सीएससी ऐप, इसे मैंने ओपन कर लिया है। कुछ इस प्रकार से ये ऐप हमारा ओपन होगा और उसके बाद दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाएगा। तो जो भी हमारा पासवर्ड है अपने फ़ोन का वो हम यहाँ पर इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहीं पर आप देख सकते हैं फर्स्ट में ओटीपी का एक ऑप्शन है, इस ओटीपी वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। हमारे सामने दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक तो ओटीपी और दूसरा सिक्योर कोड। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, सिक्योर कोड के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जनरेट ओ टी पी,
जनरेट ओटीपी पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिक्योर कोड आ जाएगा और यहाँ पर कुछ सेकंड्स चलेगा, तो इसी सेकंड्स के अंदर में ये सिक्योर कोड आपको वहाँ पे इंटर करना होगा। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, डिजीपैक पे यहाँ पे जो क्लोज का बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंटर ओटीपी लिखा हुआ है वहाँ पर हम इस सिक्योर कोड को यहाँ पर इंटर करेंगे। तो हमारे सामने जो कोड आया हुआ है आप देख सकते हैं, ये कोड मैं यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर कोड इंटर करेंगे और उसके बाद वैलिडेट ओटीपी करेंगे तो पूरी तरह से दोस्तों हम यहाँ पे सक्सेसफुली डीजीपे पर लॉगिन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं फाइनली डीजीपे हमारा कुछ इस प्रकार से लॉगिन हो चुका है। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से जो है डीजीपे पे लॉगिन कर पाएंगे आप सिक्योर कोड की मदद से। तो दोस्तों कभी भी आप अगर मान लीजिए सिक्योर कोड नहीं चाहते हैं तो जनरेट ओटीपी कर सकते हैं, कभी कभी लिंक इशू हो जाता है जिसके कारण आपको कोड नहीं मिलता है, तो आप सिक्योर कोड प्राप्त करके बहुत ही आसानी से डीजीपे को लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया है कि सीएससी डीजीपे को आपको कैसे लॉगिन करना है, इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि इसके बारे में उन्हें भी पता चले। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी भी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।